भाजपा प्रत्याशी विशाल लामा के चुनाव प्रचार के लिए सांसद जॉन बारला हसीमा राठपोस्ट थाना के अधीन सताली चाय बगान आउट डिवीजन के 10 नंबर सेक्शन में पहुंचे थे। कालचीनी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी विशाल लामा के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे अलीपुर द्वार के भाजपा सांसद जॉन बारला को आज चुनाव प्रचार के दौरान लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा। इस जगह उनके द्वारा चाय श्रमिक को संबोधित करते हुए जय श्री राम का नारा लगाया गया, जिसका वहां उपस्थित अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा विरोध किया गया और उन्हें घेर कर लॉकडाउन के समय कहां लापता रहने की बात कही गई। चाय श्रमिक ने कहा कि आज संसद यहां चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, मगर लॉकडाउन के दौरान ही संसद नजर तक नहीं आते थे और यहां पहुंच चुनाव प्रचार की जगह पर ये जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। इधर लोगों की नाराजगी देख वहां कुछ समय तक रहने के बाद जॉन बारला आगे के लिए निकल गए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान उन्हें कहीं जाने पर रोक लगा रही थी, इसी वजह से वो कहीं नहीं जा सके। कहा कि यहां तृणमूल के ही कुछ समर्थक थे जिन्हें ये नारा हजम नहीं हो रहा था। भारत माता की जय जोहार, ये बात बोलना चालू कर दिया, वो बात करके वो साइड से निकल गया। जब लड़ाई हुआ वो इतना बड़ा दिन है आया, सामने आना चाहिए उसको कि मत लड़ो मेरा लेके, हम तुम लोग से भीख मांगने आए हैं। वो तो भीखे हैं, हम लोग भोट देते हैं लेकिन भीख है वो। ये भीख वाला बात किसने कहा? हम बोल रहे हैं उसको, लेकिन वो तो लड़ाई होते हुए चला गया सामने से। नहीं, जब वोट हमको देना है, हम लोग को तो देना ही है, हम लोग पास वोट नहीं देंगे तो गिनती काटा जाएगा। आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो आपस में आप लोगों को लड़वाने के लिए आया? लड़वाने के लिए आया था, ये वोट मांगने नहीं आया था। वोट मांगने आता तो ये तो बोलता कि हमें वोट दो, हम जीतेगा तो हम बगान में घर देगा, पानी देगा। तुम लोग से कुछ भी तो बोलता है, ये कुछ नहीं बोला कि हम बगान का आगे शुरुआत में क्या बोला कुछ नहीं बोला क्या करता है शुरुआत में क्या बोला आके शुरुआत में क्या बोला सुबह आके? तो वहाँ पे हम लोग शाम को दूर में थे, तब आए वो सब, उसका स्वागत वगैरह किया। हम लोग भी साइड में होके खड़ा हुए, हम भी तो सुनेंगे हमारा बड़ा आदमी आया है, हम लोग को राशन पानी कर मेहनत करेगा। लेकिन वो सब तो लॉकडाउन में किया नहीं, बगान 20 दिन 25 दिन बंद हुआ, वो सब कुछ नहीं किया। वो आके क्या बोला शुरुआत में क्या बोला? वो तो हम नहीं सुने, हम सामने नहीं थे। ठीक, आपका नाम क्या है? क्या कारण है? कौन आया? जॉन बोल रहा। अच्छा बोलिए। वो आया यहाँ पर आके, वो यहाँ पर खड़ा हुआ, यहाँ आके सब स्वागत किया उसको और नारा लगा रहा है जय श्री राम जय श्री राम। वो लोग गाना उना गाया, उसके बाद में हम लोग को चाय बगान के बारे हम लोग को बतलाया ऑटो, तो हम लोग को तो बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पर आया और बोला हम लोग इतना दिन से लॉकडाउन, 3 महीना से लॉकडाउन जो चल रहा है, किसी के घर में बच्चा मर रहा है, किसी का घर में पैसा नहीं है खाने के लिए, किसी का दुख मुसीबत से घर मसाला अभी क्या क्या हो रहा है, किसी का घर नहीं है बोल के हम लोग उसको सवाल किया, तो जवाब हम लोग को कुछ नहीं दिया, बोल रहा है जय श्री राम बोल रहा है, उसको तो जवाब देना चाहिए और बोल रहा है हम तुम लोग से बात नहीं करेगा, तुम लोग जाओ, ऐसा बोल दिया हम लोग को। अच्छा, ऐसा तो बोलने का काम नहीं था। अच्छा, हम लोग बगान के मजदूर है, हम लोग का बगान में कोई आएगा तो हम लोग सवाल करेगा। अब क्या सवाल किए थे? हम लोग बोले इतना दिन से हम लोग का दुख मुसीबत हुआ था लॉकडाउन में, तो आप कहाँ गया? हम लोग को क्यों नहीं आके बोला यहाँ पर? बगान में तो हम लोग को कोई लीडर नहीं आता है, तो आप क्यों आया यहाँ पर? और आया तो उस टाइम आना चाहिए जिस टाइम लॉकडाउन था, उस टाइम आना चाहिए।